मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम शरीफ नगर में भी ईवीएम मशीन की धांधली उजागर हुई है, जहां कृषक इंटर कॉलेज स्थित बूथ नंबर 74 पर साइकिल का बटन दबाने पर फूल पर वोट जा रहा था। मामला उजागर होने पर सैकड़ों ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और चुनाव आयोग पर बेईमानी किए जाने का आरोप लगाते हुए पोलिंग बूथ से बिना मतदान किए ही लौट गए। उधर ग्रामीणों के तीखे तेवर देख प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव को रोकना पड़ा। फिलहाल प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचकर ईवीएम मशीन की जांच में जुट गई है। हो क्या रहा है? इस वक्त मैं कॉलेज के अंदर ही खड़ा हूँ और मैं कोऑर्डिनेटर हूँ बाकायदा उलमा की तंजीम की तरफ से, और तकरीबन जिस तरह से शिकायत कर रहे हैं ये बोल रहे हैं कि यहाँ बीजेपी को वोट जा रहा है साइकिल को वोट देने के बजाय। वोट डाल रहा है शरीफ नगर में क्यों खराब हो रही, कुआखेड़े में कितना खराब हो रही, वहाँ हिंदू डाल रहे हैं क्या हुआ यहाँ, किसे कौन सी पार्टी को वोट दे रहे हैं? साइकिल को आ जाए तो बटन दबा रहा है, फूल आ रहा है, साइकिल का वोट देने में फूल आ रहा है, इसलिए वोट नहीं डाल रहे हैं। इसलिए वोट नहीं डाल रहा है, दस में एक भी साइकिल कर रखी उन्होंने। नंबर 74 में क्या गड़बड़ है? 74 नंबर का अंदर बटन दबा रहा है साइकिल का और फूल निकल कर आ रही है।